नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव भी मिली हार को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने गंभीरता से लिया। हार क्यों मिली, किसने बगावत की, आगे किस रणनीति पर काम होगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए कांग्रेस में दो दिवसीय मंथन का दौर शुरू हो रहा है। आज से दो दिन तक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में वरिष्ठ नेता गहन मंथन करेंगे और हार की मुख्य वजह तलाशेंगे। वहीं आज से भोपाल में कांग्रेस का दो दिवसीय मंथन शुरू हो रहा है, जिसमें पहले दिन यानी आज विधायकों और 2023 विधानसभा के चुनाव के प्रत्याशियों के साथ बैठक की जाएगी। इस दौरान 1-to-1 चर्चा कर हार की वजह तलाशी जाएगी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वहीं 7 जुलाई यानी कल राजनीतिक मामलों पर मंथन के अलावा वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जाएगी, जिसमें संगठन मजबूती और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। एमपी कांग्रेस में आज से दो दिनों तक बैठकों का दौर चलने वाला है। आज सभी प्रत्याशियों के साथ, इसके बाद कल वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भवन जितेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दो दिन तक बड़ी बैठक है, क्या एजेंडा है, किस पर चर्चा होगी? देखिए, हम दो दिन की बैठक है, जिसमें आज हम सभी माननीय विधायक और जो प्रत्याशी थे उनसे बात करेंगे। कल हमने अलग अलग ग्रुप्स बनाए, उनसे बात हम करने वाले हैं लोकसभा के प्रत्याशियों से, और आगे कांग्रेस को किस तरह से मजबूत हम करेंगे इसके लिए मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप है, कार्यकर्ता है, उनकी क्या भावना है, उसके ऊपर हम बात। अमरवाड़ा में उपचुनाव है, पार्टी तैयार है पूरी तरीके से? अमरवाड़ा चुनाव के लिए पार्टी तैयार है? बिल्कुल तैयार है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतेंगे। अभी देखिए, अमरवाड़ा का चुनाव मजबूती से जीतेंगे आज प्रत्याशियों से, इसके बाद कल अलग अलग जो कमेटियां हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनसे कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, खासतौर पर भवन जितेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, इसके अलावा जो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार चर्चा करते हुए नजर आएंगे, रणनीति तैयार होगी। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो कांग्रेस पार्टी की जो इस बार हालत हुई है मध्य प्रदेश में, वो वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि छिंदवाड़ा एक वो सीट ऐसी थी जो कांग्रेस पार्टी के पास थी, वो भी लंबे समय से, लेकिन वो सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। तो इस बार क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का ना सिर्फ सारी की सारी सीटें हाथ से चली गई, बल्कि वोट शेयर में भी गिरावट हुई है, इसी को लेकर यह बड़ा मंथन दो दिनों तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाला है। इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिवम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, आनंद जैन जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम शुक्ला जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दो दिनों के लिए मंथन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कांग्रेस इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है कि आखिर 29 की 29 सीटें कांग्रेस के हाथ से कैसे चली गई। देखिए मनु जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ही अपने अंदर से प्रतिरोध के लगातार स्वर सामने आ रहे थे, चाहे इनके राष्ट्रीय नेताओं में से पवन खेड़ा जी की बात की जाए, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं का आचरण ऐसा है जैसे वह कितने वर्षों से लगातार सत्ता में हो और सत्ता का सुख भोग रहे हो, जनता के साथ जो एक संवाद की स्थिति होती है, जो एक परस्पर बंधुत्व की भावना जनता के साथ रखनी होती है, कांग्रेस को उसको पूरा करने में पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई। दूसरा, कांग्रेस पार्टी को जब भी मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास करके सत्ता सौंपी है तो जनता ने देखा है कि कांग्रेस उसके लिए दुर्दिन लाने का प्रयास करती है। दिग्विजय सिंह का शासनकाल तो हम सभी की स्मृतियों में है, जब पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के विकास का जो पहिया था वह रुक गया था। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश देश के जो सबसे पिछड़े हुए राज्य थे उसमें शुमार हुआ करता था और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में बीमारू जैसी व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू थी। फिर 15 महीने के लिए कमलनाथ जी को 2018 में एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस पार्टी को अवसर मिला जनता की सेवा करने का, लेकिन कांग्रेस ने उस अवसर का भी सदुपयोग नहीं किया। कांग्रेस उस पूरे कार्यकाल में भी वल्लभ भवन से दलाली का उद्योग संचालित कर रही थी, इनके नेताओं की आपसी जो
की शांति और वह एक दूसरे को ही जनता के सामने एक्सपोज कर रहे थे। जो आज वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष हैं वह उस दौरान दिग्विजय सिंह जी को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे थे। उनके बारे में नेता प्रतिपक्ष का ही बयान था कि ये सबसे बड़े माफिया है मध्य प्रदेश के, और इसके साथ ही साथ कई अन्य विधायकों मंत्रियों ने, और फिर उसके पश्चात जिस प्रकार से प्रदेश के विकास की गति को पूर्ववर्ती हमारी शिवराज जी की सरकार के द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी उनको बंद करने का जो पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था, बैगा सहारिया वर्ग की अनुदान राशि रोकना हो, वृद्धा पेंशन बंद करना हो, तीर्थ दर्शन योजना बंद करना हो, और फिर जो कांग्रेस ने वादे स्वयं जनता के साथ किए थे, चाहे वह अच्छा शिवम जी कहीं ना कहीं क्या बीजेपी जिम्मेदार नहीं है कांग्रेस की हार की वजह से? इतनी भारी संख्या में कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया ठीक चुनावों से पहले, और छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ के जितने करीबी थे सबको आपने अपने पाले में कर लिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो लोग भी राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं और राजनीति के माध्यम से सामाजिक समाज के व्यापक हितों का संरक्षण करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहते हैं, अगर वह हमारी विचारधारा को आत्मसात करते हैं, हमारी पार्टी की जो रीति नीति है उसके अनुरूप चलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम पूरी सहृदयता के साथ उनका स्वागत करेंगे। अगर उनका आचरण वैसा है, उनका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो हम तो हमेशा मोर देन विलिंग है कि इस प्रकार के तमाम लोग आ जाए, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो लोग भी जनता की सेवा निस्वार्थ भाव के साथ करना चाहते हैं, जो भी भ्रष्टाचार के उद्योग में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए स्वाभाविक तौर पर वहां पर स्थान बहुत ही कम है। उस स्थिति में कांग्रेस के भी तमाम नेता जिनकी स्वीकार्यता थी, जो जनता से जुड़ करके राजनीति करते हैं और अपने क्षेत्र में लोकप्रिय थे, संगठनात्मक दृष्टिकोण से हो अथवा जनता के बीच उनकी बैठ की हम बात करें, तो उन तमाम लोगों ने के बाद एक कांग्रेस पार्टी को छोड़ी। और कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि जब 20 वर्षों से सत्ता से बाहर है तब इतनी बड़ी संख्या में नेताओं ने पार्टी नहीं छोड़ी, तो आज क्या स्थिति है कि इतने नेताओं ने पार्टी छोड़ी? स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के भीतर मध्य प्रदेश को आगे ले जाने की जो एक उम्मीद है वो उनके अपने नेताओं तक को नजर नहीं आ रही है। उस स्थिति में मध्य प्रदेश की जनता उनसे कैसे उम्मीद कर सकती है? इस विचार मंथन का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जीतू पटवारी जी जो इस मंथन में सेंटर स्टेज पे हैं, उनके स्वयं के नेतृत्व के ऊपर सवालिया निशान, चाहे अजय सिंह जी हो या उनके अपने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अरुण यादव हो, विवेक तनखा हो, तमाम नेताओं ने समय समय पर लगाए हैं। यहां तक कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने तो राष्ट्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिख करके जीतू पटवारी जी को पदमुक्त करने का निवेदन भी किया था। ठीक है, ठीक है, जैसे ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे मैं उनसे इन सवालों का जवाब दूंगी। लेकिन सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप इसका विश्लेषण कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती मध्यप्रदेश कांग्रेस में यह भी नजर आती है कि एक मंच पर सभी नेता इकट्ठे हों। क्या इस मीटिंग में कमलनाथ पहुंचेंगे, इस पर भी सस्पेंस है, दिग्विजय हिस्सा होंगे, इस पर भी सस्पेंस है, और फिर इस मंथन का, दो दिनों के मंथन का कोई सकारात्मक नतीजा मिलेगा, इस पर भी सस्पेंस है। देखिए मनुज जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसकी जो भी परिणाम चुनाव में रहे हो, चाहे जीत हो या हार हो, उसकी समीक्षा के आधार पर ही आगे की स्ट्रेटजी बनती है। अगर कांग्रेस पार्टी ये बड़ी समीक्षा बैठक करती है सभी जो कैंडिडेट उसके रहे उनके साथ, तो ये मान के चलिए कि ये स्टेप तो अच्छा है, लेकिन सवाल कांग्रेस के सामने बहुत बड़े खड़े हैं, क्योंकि पार्टी में कोऑर्डिनेशन, चाहे वो लीडर्स के बीच में हो या कार्यकर्ताओं के बीच में हो, जब तक नहीं दिखेगा तब तक वो जो भी रिव्यू से चीजें आएंगी उनको मोबिलाइज पब्लिक तक कैसे कर पाएगी। मध्य प्रदेश में अगर ये माना जा रहा है, जब देखिए कांग्रेस का परफॉर्मेंस कई स्टेट्स में जहां बिल्कुल भी आशा नहीं की जा रही थी, उनमें से उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी है, वहां पिछले महीने हुए चुनाव में आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में उसका परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार हुआ है अगर कांग्रेस की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन मध्य प्रदेश जहां आप जानते हैं कि बायपोलर मॉडल होने के बाद भी पॉलिटिक्स का, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही फाइट होती है, यहां उसका पुअरेस्ट यानी एक सबसे वर्स्ट उसका परफॉर्मेंस रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन की वो कारक हैं जिसमें उसने यूनिटी या बड़े नेताओं ने उन कैंडिडेट्स जहां वो कुछ हद तक जीतने की स्थिति में आ सकते थे, वहां उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो चुनाव के दौरान नहीं दिखा। तो ये कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के ऊपर एक बड़ा आक्षेप है कि उनकी लीडरशिप में, जबकि आपको पता है कि 2014-2019 में जबरदस्त पीएम की लहर के बाद, यानी नरेंद्र मोदी की लहर के बाद भी मध्य प्रदेश में एक या दो सीट्स उन्होंने जीती थी, और इस समय जब उनका परफॉर्मेंस सुधरा है और मध्य प्रदेश में उसकी बस सिचुएशन गई है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं संगठन एक बड़ा कारण माना जा रहा है कांग्रेस की। देखिए माना जाता है कांग्रेस में कि कांग्रेस में जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं पुअर होती जा रही है, जिसके कारण
उसका जो परफॉर्मेंस है इलेक्शंस में या पब्लिक में वो अपनी चीजों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, एक बड़ा कारण उसकी हार का माना जा सकता है। लेकिन अब नई टीम है, कितना पुराने यानी सीनियर लीडर के साथ कोऑर्डिनेशन करके आगे बढ़ती है। अगर इस मीटिंग में दो बड़े लीडर नहीं पहुंचे तो ये मान के चलिए मैसेज वही जाएगा जो अभी फिजा में मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स की में चल रहा है कि शायद जो नई टीम है और सीनियर लीडर्स के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो फिर दोबारा जाएगा और ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूत करेगा, सॉरी वीक करेगा, बीजेपी को मजबूत करेगा। लेकिन सत्यप्रकाश जी, अभी 10 जुलाई को अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और उससे पहले दो दिनों का मंथन रखा गया है, यानी आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस पार्टी अमरवाड़ा का उपचुनाव निकालेगी, तो आपको नहीं लगता कि अब जी जान लगाकर अमरवाड़ा में मेहनत करनी चाहिए थी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस को, लेकिन यहां हार पर समीक्षा की जा रही है? समीक्षा होना गलत नहीं है, बाइपोल एक बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन हाँ ये प्रेस्टीज मैटर जरूर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बना है, क्योंकि 2023 में इलेक्शंस में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पूरे प्रदेश में जबरदस्त रहा, लेकिन छिंदवाड़ा रीजन में उसने सभी की सभी सीटें हारी। तो इसके लिए इस सीट को खींचना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन उसका उत्साह भी लोकसभा चुनाव में जीत के बाद, यानी कि जैसा कि कल सीएम ने कहा, आपने सुना होगा कि छिंदवाड़ा बिन बाज बिगेस्ट, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर पूरा फोकस किए हुए है। लेकिन एक चीज जरूर दिखती है यहाँ पर कि वहां पर जो कंटेस्ट है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज की इंटरेस्टिंग बन चुकी है, उसके पीछे दोनों ही एक ही कम्युनिटी की, यानी कहें कि वो सीट ही हालांकि एसटी रिजर्व सीट है, लेकिन कमलनाथ का प्रभाव या वहां पर जो वहां के आध्यात्मिक स्थान से जुड़े कैंडिडेट का पब्लिक में क्या प्रभाव जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ रैलियां कल डॉक्टर मोहन यादव ने वहां की और उनकी स्पीच में कुछ ऐसी चीजें दिखी जिससे उन्होंने ये प्रयास किया कि जो ट्राइबल वोटर्स हैं या ट्राइबल की जो अगर रेस्पेक्ट किसी ने किया है या उनका डेवलपमेंट किसी ने किया है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। तो वहां पर ये फैक्टर मान के चलिए कि मोहन यादव की जो लास्ट 6 माह में सरकार का जो स्टाइल है काम करने का, जिसने कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर की तरफ बड़े कदम उठाए हैं, वो एक कारक। दूसरा, नरेंद्र मोदी का चेहरा मध्य प्रदेश में आज भी उतना ही चर्चित है, उसमें कहीं कोई समस्या मध्य प्रदेश में नहीं दिखती और भारतीय जनता पार्टी का यूनाइटेडली इलेक्शन को लड़ना ये कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करता है। लेकिन सवाल ये जरूर है कि कमलनाथ उस सीट को किस आधार पर या कितनी ताकत से बचा पा सकते हैं। ठीक है, आनंद जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आनंद जैन जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कोई फायदा नहीं है समीक्षा का, ना तो आप एकजुट होंगे और ना ही कोई कोऑर्डिनेशन है आप नेताओं के बीच में, तो ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को क्यों है मैडम? ये हमारी पार्टी का अपना अंतर्गत विषय है, हम समीक्षा करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, चुनाव लड़े नहीं लड़े, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को क्यों होना चाहिए, मेरे को आज तक नहीं समझ में आ रहा है। हमारी समीक्षा है, हमारे से अगर कोई गलतियां हुई और पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व और हर पार्टी अगर चुनाव जीतती है हारती है तो उसका आत्मावलोकन होता है, पार्टी में चिंतन होता है, मनन होता है, तो उसमें समीक्षा कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? और उसमें हम अगर समीक्षा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को इतनी परेशानी क्यों है? नहीं, इस समीक्षा के मंच पर सभी नेता एक साथ नजर आएंगे ना, सब मिल बैठकर ही चर्चा करेंगे ना कि हार के कारण क्या रहे। देखिए, बुलाया तो सबको है, सबके अपने अपने कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी हो सकती है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी नेता एक साथ एक जाजम पे बैठकर इसका चिंतन मनन करेंगे और जो लोग नहीं भी आ पाते हैं तो वो भी अपनी पार्टी के प्रति, अपने नेतृत्व के प्रति उतने ही चिंतित हैं जितने आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आनंद जी, कि इस ये समीक्षा बैठक जो हो रही है दो दिनों की, आप बताइएगा कि इसमें किस किस पहलुओं पर मंथन किया जाएगा और क्या ये मानकर चले कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला मध्य प्रदेश कांग्रेस में लिया जा सकता है? बिल्कुल, अगर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को अगर बुलाया गया है तो हार का किस कारण से हार हुई और किस पहलू पर संगठन को और कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए, इसी चिंतन के लिए तो सबको आमंत्रित किया गया है। तो निश्चित ही जब 230 विधानसभा के प्रत्याशी आएंगे, अपने जीत हार का जो भी आंकड़ा देंगे या जो भी पार्टी को गाइडलाइन देंगे नेतृत्व को, तो नेतृत्व शीर्षक नेतृत्व के साथ बैठ के आगे की आगामी भूमिका कांग्रेस पार्टी की निभाएगा,
कि हमको किस गाइडलाइन पर आगे काम करनी है ताकि हम वापस इस चुनाव में मध्य प्रदेश में आ सकें और चुनाव जीत सकें अगले चुनाव। अभी उपचुनाव भी है 10 जुलाई को, उसके लिए क्या प्लान है फिर? वो ऑलरेडी प्लान हो चुका है मैडम, उसको तो एक्शन हो चुका है, तो अभी प्लान का तो कोई सवाल ही नहीं, वो तो गोइंग ऑन एक्शन है, क्योंकि अब चुनाव में 4 दिन बचे, तो वो तो सब तैयारी हमारी पहले थी, उसके बाद हमारी तैयारियां लगातार है और सभी लोग वहां सभी के नेतृत्व में वहां चुनाव हम लड़ रहे हैं। ठीक है शिवम शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी की अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी पहले से ही है और ये अलग से बैठक लोकसभा के लिए बुलाई गई है कि क्यों हारे लोकसभा की 29 की 29 सीटें, इस पर मंथन और फिर कोई बड़ा फैसला आने वाले दिनों में। देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 29 लोकसभा सीटें हारी नहीं है, 214 विधानसभा की सीटों पर भी ये पीछे थे, तो विधानसभा चुनाव से पहले ये हम पे तंज कसा करते थे, अब की बार 200 पार का जो बात थी उसको लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है। स्वाभाविक तौर पर ये जो उपचुनाव की बात करें उसकी इनकी कितनी तैयारी है उसको समझने के लिए यही आवश्यक है कि जो कमलनाथ जी कहा करते थे कि छिंदवाड़ा की जनता मेरा परिवार है, अब परिवार तो छोड़िए उन्होंने कांग्रेस पार्टी तक को अपना परिवार नहीं समझा, जो प्रत्याशी थे उनके नामांकन तक में कमलनाथ जी नहीं आए, और फिर अब चूंकि राजनीतिक संकट उनके सामने भी है, राष्ट्रीय नेतृत्व को अपनी स्वीकारिता स्थापित करनी है, उस स्थिति में मजबूरी में आकर के चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए, हालांकि उनको मालूम है कि पराजय का ठीकरा उनको जीतू पटवारी के सिर फोड़ना है, और जीतू पटवारी जी इस बात को लेकर के तैयारी कर रहे हैं कि हार की जिम्मेदारी कमलनाथ जी के सिर माथे पर डाली जाएगी। दूसरी चीज, अभी इन्होंने जैन साहब ने कहा कि हमें क्या चिंता होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, हमारे सामने यह चिंता नहीं है कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, लेकिन एक प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है, विधानसभा में आपको 39% वोट मिले, लोकसभा में आपको 32% वोट मिले, आप नंबर वन अल्टरनेटिव है मध्य प्रदेश की जनता के सामने, उस स्थिति में आपके प्रयासों में जब सीरियसनेस नहीं दिखती है तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता प्रतिपक्ष से भी जानना चाहती है कि हम लोग आपको सरकार की नीतियों तमाम विषयों पर जो एक समालोचना करने के लिए जनादेश दिया था उसका आपने कैसे सम्मान किया, तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस उसमें विफल साबित हो रही है, और अब प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज भी अपने उन्हीं मंसूबों और उसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ने को तत्पर है, कांग्रेस ने अपनी रीति नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है, आज भी तुष्टिकरण उनका प्रधान एजेंडा है, उनकी गुटबाजी आज भी सतह पर ही है, और लगातार कांग्रेस पार्टी कोई भी परिवर्तन लाने के लिए विचारशील आपको नजर नहीं आएगी। इस बैठक में इनको यह तक नहीं तय है कि इनके कौन से नेता सम्मिलित होंगे, भी आप इनसे पूछे क्या कमलनाथ जी आएंगे, बोले आ सकते हैं नहीं भी आ सकते, आनंद जी आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, वहीं भारतीय जनता पार्टी में कल हमारी भी प्रदेश कार्य समिति है, हमने जब पीसी की, हमने जब उस विषय को जनता के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, तो हमने बताया कि हमारे केंद्रीय मंत्री पूर्व में संगठन के चुनाव के यहाँ प्रभारी थे भूपेंद्र यादव जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और प्रभारी महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय जी, संगठन के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जो शिव प्रकाश जी हैं, अजय जामवाल जी जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्रीगण, संगठन के महामंत्री, या तमाम लोग बैठक में सम्मिलित होंगे और उसमें भाग लेंगे, कांग्रेस यह बता पाने में कांग्रेस को क्या आपत्ति हो रही है, आनंद जी निर्धारित भी नहीं, कमलनाथ आएंगे इस दो दिन के मंथन में, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आएंगे? देखिए मैंने क्या आपको कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी को आमंत्रित किया है, जितने विधायक जीते हैं और हारे हैं तो उनको सभी को आमंत्रित किया है, तो वो आना नहीं आना तो उनके ऊपर है, पार्टी ने तो आमंत्रित किया है और उनकी तरफ से हमारे स्वीकृति भी मिली है, तो मैं समझता हूँ कि सभी नेतृत्व वहां हाजिर रहेगा। और रही दूसरी बात की विधानसभा में अगर हम सीरियस नहीं होते या लोकसभा में सीरियस नहीं होते तो इतना परसेंट वोट हमको कैसे मिलता, विधानसभा आप कैसे जीते वो आपको मालूम है, लाडली लक्ष्मी बहनों को आपने लालच दिया 3,000 का और अभी आप 1,250 दे रहे हैं, तो देखिए चुनाव लड़ना जीतना अलग बात है, पर आज भी जनता हमारे साथ 33% जनता विधानसभा में भी खड़ी थी और 32% जनता लोकसभा में भी खड़ी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी पार्टी सीरियस नहीं है विपक्ष को लेकर या जनता के मुद्दों को लेकर, हम आज भी समस्त मुद्दों को लेकर जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी तक लड़ेंगे। सत्यप्रकाश जी आखिरी सवाल आपसे होगा कि क्या दो दिनों का ये मंथन महत्वपूर्ण मंथन इसको इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस मंथन के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि क्या ये बेहद जरूरी नहीं हो जाता आगामी उपचुनाव के लिए और आगामी चुनावों के लिए? देखिए मेरा ये मानना है कि ये जो रिव्यू मीटिंग होने जा रही है कांग्रेस की, इसके पीछे अमरवाड़ा बायपोल कोई बड़ा कारण नहीं होगा, क्योंकि वो लोकल वहाँ लीडर्स की स्ट्रेटजी है, वो कमलनाथ के हाथ में वो पूरा चुनाव है, लेकिन ये जरूर है कि बड़ा डिसीजन की अगर आपने बात की है तो वो डिसीजन नेशनल बॉडी पार्टी की लेगी
लेकिन इससे ये जरूर है कि पार्टी को मोबिलाइज कैसे किया जाए, यानी कि जो उसकी स्ट्रेटजी पिछले चुनाव में रही है उसमें कहीं ना कहीं उसने बड़ी हार का सामना, उसका वोट शेयर भी डूबा है। देखिए ये बात पक्की है, ये आप मान के चलिए, जब भी किसी राज्य का जो पॉलिटिक्स का मॉडल होता है बायपोलर होता है तो वहां ये आइडियोलॉजिकल वोट भी कांग्रेस को वो मिलता है। तो मैं ये नहीं मानूंगा कि कांग्रेस के प्रयास से अगर 25% तक वोट शेयर उसका पिछले लोकसभा चुनाव में रहा है तो ये कांग्रेस के कैंडिडेट या लीडर्स का कारण है, वो उसको आइडियोलॉजिकल वोट मिला है। हाँ। अब उस आइडियोलॉजिकल वोट को एम्पलीफायर कैसे करेंगे जिससे कि वो 40% जो विधानसभा में मिलता है या उससे थोड़ा आगे बढ़ा सके, इस बात पर गहन चिंता मेरे ख्याल से पार्टी करेगी अगर वहां स्ट्रेटजिस्ट लीडर बैठे होंगे। हालांकि किसी पर हार का ठीकरा फोड़ना कि वो उसने ये गद्दारी की उसने ये किया, अगर इसमें उलझी रहेगी तो उससे तो फैक्शनिज्म और अधिक बढ़ता है। नहीं तो सत्यप्रकाश जी, ऐसा ये संयुक्त रूप से अगर हार की जिम्मेदारी ली जाए ये क्या संभव है, क्योंकि गलती तो किसी ना किसी ने की है ना ग्राउंड पर, बिल्कुल, चाहे वो गुटबाजी के रूप में हुई हो। देखिए कुछ सीट्स ऐसी रही हैं कांग्रेस ने जो बिल्कुल बॉर्डर पर हारी हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पूरा पार्टी एकजुट होकर उन सीट्स को फोकस करती या जो चुनाव के दौरान जो पार्टी से महत्वपूर्ण लोग गए, हाँ। चाहे ग्वालियर चंबल से रामनिवास रावत गए हों या छिंदवाड़ा से कमलेश शाह गए हों, दीपक सक्सेना गए हों, उनके बेटे गए हों, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये लोग इन दोनों रीजन में अपनी पकड़ पार्टी के अंदर रखते थे, अगर थोड़ा सा ही फायदा पार्टी को दिला सकते थे तो ये सीट्स निकल सकती थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी यहाँ पर फायदेमंद साबित हुई और कांग्रेस अपने लोगों को रोक पाने में नाकामयाब रही, जिससे भारतीय जनता पार्टी और संभवतः ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अपने लोगों को पार्टी में कैसे बनाए रखना है, इस पर भी चर्चा इस बैठक में जरूर होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी का ये दो दिनों का मंथन है, आज पहला दिन है और कल दूसरे दिन जब मंथन हो जाएगा संभवतः उसके बाद मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, बताया जाएगा कि किस तरह की रणनीति के तहत आगे कांग्रेस बढ़ने वाली है। इस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।